Xavier. He's done so much work, and we are excited that he's a part of this project. And Rahul Dev Saab is in this film. मतलब पूरे शो में हमारे साथ, सो ही इज़ द एंटैगनिस्ट. बट आई थिंक नाउ डेज द एंटैगनिस्ट ऑल्सो इज सच अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर, सच अ प्रोमिनेंट रोल, इट रियली डज नॉट मैटर. सर, काफ़ी चीज़ें हो रही है हाल फिलहाल में, देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, और कंगना और दलजीत ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके बीच टग ऑफ वॉर हो रहा है. कंगना इज यूजिंग चीफ वर्ड फॉर द प्रोटेस्टर एज सच, एंड यू नो दलजीत सिंह सपोर्टिंग सपोर्टेड बाय द देखिए, ये जो इशू है सर, ये पूरे के पूरे देश और अभी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. यहाँ पर दिलजीत क्या बोल रहे हैं, कंगना क्या बोल रही हैं, कौन कितना बदतमीज़ है और क्या टग ऑफ वॉर चल रही है, मुझे लगता है वो बेहुदा सवाल है. अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, क्या किसान सही हैं या हमारी गवर्नमेंट सही है? क्या किसान जो मांग कर रहा है वो सही है, या गवर्नमेंट जो बार बार कह रही है कि आपकी एपीएमसी आपकी हटा देंगे, आपकी मंडियां हटा देंगे, आपका एमएसपी हटा देंगे? सैड टू से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को अभी तक ये नहीं पता होगा कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दैट इज़ वॉट मेक्स अ फार्मर सेफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अ फार्मर जो जाता है, अपनी खेती बाड़ी करता है, अपना सामान बेचता है, कहाँ जाकर बेचता है? मंडी में जाकर बेचता है. मंडी अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी कुछ सालों बाद, अगर गवर्नमेंट ये कह देगी कि हम ये ऑर्डिनेंस से आपकी मंडी जो है वो है बाय द एंड ऑफ इट ब्रेक कर रहे हैं, एमएसपी आपको सेफ करके बोल रहे हैं, अश्योरेंस बोले जा रहे हैं तो अश्योरेंस वाइज आपको एमएसपी मिलेगा. अश्योरेंस क्या होती है? आप लॉ पास करिए ना. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हू दिलजीत साहब इज सपोर्टिंग और हू कंगना जी इज सपोर्टिंग. आई डोंट केयर हू दे आर सपोर्टिंग. I am supporting farmers, and the most important thing is that war and the fight is against the government. For them to understand that this is shit, what is happening? It is complete shit. हमारे इतने सारे हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं एक जगह पर जाकर बैठे हुए हैं, दो हफ्ते तीन हफ्ते हो गए, वाटर कैनन उन्होंने अपने सीने पे लिए हैं, टीयर गैस लिए हैं. At this moment, पूरे हिंदुस्तान को जग कर समझ जाना चाहिए हो क्या रहा है. इस मोमेंट पर हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दिलजीत और कंगना के बीच में क्या हो रहा है, ये बेहुदा सवाल है सर. और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है सर कि किसान के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है. ये मैं बस सॉरी, मैं कभी कोई पॉलिटिकल चीज पर इतना लाउडली बोलता नहीं हूँ, शायद पहली बार है जब मैंने बोला होगा, लेकिन ये मैं बहुत ऑनेस्टली फील करता हूँ, क्योंकि शायद मैंने बहुत करीब से पंजाब और हरियाणा को देखा है और समझा है, और समझा है जमीन को लेकर उनके दिल में कितना प्यार है. ये तो ये बात होगी दुनिया में, बिल्कुल हुए दुनिया के बारे में. ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो बिल है, तीन बिल को लेकर जो विरोध है फार्मर्स का, तो वो सेंट्रल ने बनाया है, स्टेट को के ऊपर है, वो लागू करे या मत लागू करे, तो पंजाब ने तो लागू ही नहीं किया और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ बोलती है पास करने के लिए, ठीक है, तो सीएम को लागू करना ही पड़ेगा. सीएम नहीं बोल सकता कि मैं लागू नहीं करूंगा या लागू करूंगा, वहाँ के लोग बोल सकते हैं जो हो रहा है. सीएम साहब ने तो कह दिया है कि लागू है, जिसके ऊपर हमारी प्रोटेस्ट चल रही है. आज आप देखें कि राजस्थान के किसान भी आ गए हैं, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के नहीं, एट दिस मोमेंट राजस्थान के भी किसान गए हैं प्रोटेस्ट करने. आप वीडियोज देख सकते हैं उनके, आप देख सकते हैं कर्नाटका से भी फार्मर्स जाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से भी जाना चाह रहे हैं. समझने की कोशिश करिए कि ये हर साल हो रहा है, हर साल ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं. 2019 में यही चीज हुई थी हमारे छात्रों के साथ, 2020 में अब ये चीज हो रही है हमारे किसानों के साथ, 2021 में अब ये चीज किसके साथ होगी, और उसको क्या कहा जाए? जिहादी थे 2019 वाले, खालिस्तानी हैं 2020 वाले, 2021 वाले कौन होंगे? नक्सलाइट होंगे? मैं समझ नहीं पा रहा. दिल से निभाऊंगा मैडम. इस पर सबसे पहले एक निर्णय आना चाहिए मैम, सबसे जरूरी चीज अभी वो है. इस पर अभी क्रिएटिवली हम लोग ना सोचें और इमोशनली सोचें, ये बात क्रिएटिव नहीं की जा सकती. ये बात की जाएगी तो ये बात दिल से की जाएगी, ये बात जमीर से की जाएगी, ये हर हिंदुस्तानी को महसूस करके करना चाहिए. और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप सबका है, आप सब ही इस चीज़ को एक आंदोलन बना सकते हैं. जैसे आप लोगों ने हर चीज़ जो इस साल पर हुई है उसकी हेल्प की है कि उसका कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन मिला है,
चाहे कोई केस हो, चाहे कोई सुसाइड हो, हर चीज का एक कंक्लूजन आप लोग की वजह से मिला है। इस चीज का कंक्लूजन मेरे या दिलजीत या कंगना या फलाना या ढमकाना की वजह से नहीं मिल सकता है, या आपके वजह से मिल सकता है या पब्लिक की वजह से मिल सकता है। दूसरा ये भी जानना चाहेंगे सर, वेब सीरीज को लेकर जो नया कानून आ रहा है कुछ ही दिनों में शायद आने वाला है, और कुछ लोग कुछ गलत भी तरीके का वेब सीरीज बना रहे थे जिसकी वजह से कानून आना पड़ रहा है अश्लीलता को रोकने के लिए, जो कानून आने वाला है। तुमने मुंह फटी बोल दिया, हाँ हाँ, तो उसको रोकने के लिए जो कानून आ रहा है बोल, मैं पास तो नहीं कर रहा हूँ, क्या चाहते हो मतलब मेरा उस पर क्या सोच है? देखिए भाई, वो तो सर वो उस चैनल सर देखिए वो सर पब्लिक तो पब्लिक है, आप पब्लिक को जो दिखाओगे पब्लिक देखेगी, पब्लिक को आप वायलेंस भी दिखाओगे पब्लिक वायलेंस भी देखेगी, पब्लिक को आप सुसाइड भी दिखाओगे पब्लिक सुसाइड भी देखेगी, आंखें बंद कर करके देखेगी लेकिन पब्लिक देखेगी। काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल के पैसे और चैनल बना लिए सुसाइड शोर्स बनाकर सर, ठीक है, पब्लिक तो देखेगी, पब्लिक को क्या है सर, आपको दिखाना है बस, ये आपकी गवर्नमेंट या आपके ऊपर है, आप सेंसरशिप पर क्या दिखाना चाहते हो। जैसे मैं ये चीज कहना चाहूंगा इस शो के बारे में जहां पर मैं काम अभी कर रहा हूं, ये शो में एक गंद या एक अश्लील चीज नहीं है, ठीक है, जो है वो रियलिस्टिक स्टाइल से अप्रोच किया गया है, एक गंदी चीज नहीं है इस शो में। जब मुझे बुलाया गया था मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैंने एक बार में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अ गुड OTT स्क्रिप्ट। ठीक है, मेरे लिए आप अपना सवाल वापस रिपीट कर सकते हैं भाई, मैं इनके इमोशन में खो गया था, हंसने लग गया था, बताइए। देखिए मैं ये मेरे पहली वेब सीरीज़ नहीं है, मैंने इस साल ऑलरेडी दो वेब सीरीज़ की शूट कर ली है, एंड एक MX प्लेयर के लिए है और एक जो है उल्लू और MX प्लेयर साथ में बना रहे हैं उसके लिए है, बट बिसाइड्स दैट दिस वेब सीरीज़ इज़ द वन दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। उसके कारण दो तीन हैं, सबसे पहले तो ये कि ये जुनूनी टीम है, एक नई टीम है, एक नया स्टार्टअप है, और जब मुझे हमेशा लगता है जब एक नया स्टार्टअप होता है ना, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और इस टीम का विजन क्लियर है, योर विजन इज क्लियर, यू नो यू आर गोइंग टू डू समथिंग, योर गोल्स आर सेट, टारगेट पॉइंट्स सेट हैं, शोज इनके बड़े इंटरेस्टिंग है, इनकी लॉन्चिंग डेट्स वगैरह सेट हैं, जो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता हूँ, वो लोग ही बताएं तो बेहतर, एंड ये जो पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है और शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, और मेरा कैरेक्टर एज सच मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दिस शो। देखिए सर, सबसे पहले तो ड्रग्स लेना ही गलत है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि आप सेलिब्रिटी हैं कि आप नॉर्मल इंसान हैं, आप कौन हैं, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, ये आपके सिस्टम को एक सर्टेन इफेक्ट करता है, लेकिन सेइंग दैट आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं आज जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, कितने एक्टर, जाने दीजिए सर, कितने नेता हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, कितने ट्रक ड्राइवर्स हैं जो अफीम खा के ट्रक नहीं चलाते हैं। तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप टारगेट करिए सेलिब्रिटीज को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए टारगेट, और ये शायद ये बोलने के बाद मुझे भी टारगेट किया जाएगा, मेरे घर पर आके सर्च कर लेंगे, और मुझे कोई स्ट्रेस तो है नहीं, मैंने तो आज तक किया नहीं, आ जाओ जब आना है आ जाओ, सबको बताना कहाँ रहता हूँ, बट है ना जा? तो उस बात का तो कुछ है नहीं, बट पॉइंट ये है कि आप सेलिब्रिटी को टारगेट करके एक एक एपिसोड बनाना चाह रहे हैं या चर्चा में आने चाह रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, मे बी देर आर नॉट टू मेनी न्यूज़ हैपनिंग दिस ईयर एंड Some people are trying to create news. Maybe it's that. आपको लगता है सेलिब्रिटी को छोड़कर नेताओं पे फोकस करना चाहिए कि कौन डांस करता है, उनके नाम भी सामने आने चाहिए? I think अभी सबसे पहले जो मेन इशू है वो फोकस पे आना चाहिए, जो इशू है हमारे किसानों का, ये चीज़ सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे किसको फोकस में लेना है और किसकी लुंगी उतारनी है।
सर देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं वो आपकी ख्वाहिश है, आप जाना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, आप आना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब अगर आप आके इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में अगर कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, अगर किसी की फैक्ट्री ऑलरेडी है और वो फैक्ट्री अपने बेटे को दे रहा है, ठीक है, और वो चाहता है उसका बेटा उस फैक्ट्री को चलाए, चाहे उसका बेटा नीचे से आके ऊपर आया है, काम किए, सब कुछ किया है, तो क्या भाई वो आदमी गलत है जिसने इतनी मेहनत करके एक फैक्ट्री बनाई थी और वो वहाँ पर दूसरी कंपनी खोलकर एक नया बंदा आकर अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो यार वो तो बंदा कोशिश करेगा ना अपना खोले, उसका आप उसके कॉम्पिटिशन हो। बट दीज आर बिजनेस थिंग्स। अभी फिलहाल मैं अगर इसको इस एंगल से देखूं, मैं नेपोटिज्म को अपने एंगल से देखूं, हाउ हैज नेपोटिज्म हेल्प्ड मी, हाउ हैज इट हेल्प्ड मी, माय फादर नेवर लॉन्च्ड मी, माय फादर हैज नेवर मेड अ मूवी फॉर मी, रादर मैं कहूंगा मेरे पिताजी इकलौते हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पिता हैं जिन्होंने बेटे के लिए नहीं बेटी के लिए फिल्म बनाई है। बब्बर हाउस ने जूही बब्बर के लिए फिल्म बनाई, आर्य बब्बर के लिए नहीं बनाई है भाई। और जहाँ बात आती है मेरी पंजाबी फिल्म करियर की, वो भी मैंने खुद क्रैक किया है, मैंने खुद ऑडिशंस दिए, मैंने खुद काम किया, मेरा जो भी काम हो सिवाय मेरी पहली फिल्म के। हाँ, मेरा पहली फिल्म मुझे शायद इस वजह से मिली क्योंकि उस समय सडनली एक फेज़ आया था कि स्टार सन्स को लॉन्च करो, क्योंकि ऋतिक साहब हिट हो गए थे तो सबको लगा था अरे स्टार सन्स आएंगे तो फिल्म हिट हो जाती है फ्राइडे को, तो हम सब लॉन्च हुए थे, तुषार भी हुए थे, हम भी हुए थे, विवेक भी हुए थे, फिर कुछ वक्त बाद शायद भी आए थे, तो ऐसे ही हम दो चार आए एंड उस दौर में हम भी आए। अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो फिल्म नहीं चलेगी, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किसके बच्चे हैं, आप किसकी औलाद है, आप किसके पड़ोसी हैं। मैं एग्जैक्टली वो निभा रहा हूँ जो मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, मैं इतना ज्यादा कैरेक्टर में बैठ गया हूँ अभी कि मैं उसी तरीके से बात करना शुरू कर चुका हूँ। मैडम मैं कर्ट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे मालूम है मेरे को क्या बोलने का है, मेरा दिमाग सेट है और मैं एक CBI ऑफिसर, मैं आऊँगा और मैं क्राइम सॉल्व करूँगा। और एक और चीज़, दुनिया गई बाहर में। हाँ, आप फिक्र मत करिए, उसको मैंने ज़्यादा मारा था। आप क्या मतलब इंडिकेट कर रही हैं कि मैंने सच में मार खाई है कि नहीं? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में जाने की कोशिश करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपने डायरेक्टर के साथ और स्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आधे से ज़्यादा कैरेक्टर जो होता है वो स्क्रिप्ट में होता है और सिर्फ डायलॉग्स में नहीं होता, वो दूसरों के सीन्स में होता है, वो राइटर ने जो डायलॉग के बीच में जो नरेशन नरेटिव पार्ट लिखा होता है उसमें होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी एक्टर, फॉर एनी डायरेक्टर। Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure talking to you.